अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी, लास्ट टाइम हमने लाइट रिएक्शन रीड किया था। इस दफ़ा इस रिसर्चर में हम लोग डार्क रिएक्शन रीड करेंगे, और इसे कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। कैल्विन साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे डिस्कवर किसने किया था, और डिस्कवर्ड बाय द मालविन कावेलविन एंड हिज कलीग्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में इसे डिस्कवर किया गया था। किसने किया था? मालविन कैल्विन और इसके कलीग्स ने। इसके बाद ये समरी ऑफ इवेंट ऑफ डार्क रिएक्शन आल्सो नोन एज कैल्विन रिएक्शन इज एज फॉलो। जो कैल्विन रिएक्शन ने जो रिएक्शंस पॉसिबल हुए थे और जो किए जो परफॉर्म किए थे वो एज फॉलो। इसमें मैं आपको बताता जाता हूँ कि नीचे एक डायग्राम भी है, उसी के मुताबिक मैं आपको समझाऊंगा। पहले देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल कम्बाइंड विद फाइव कार्बन कंपाउंड टू फॉर्म टू टेम्प्रोरी सिक्स कार्बन कंपाउंड ईच विच स्प्लिट इनटू थ्री कार्बन कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल कम्बाइन होने हैं फाइव कार्बन कंपाउंड से, और बनाना क्या है? दो टेम्प्रोरी सिक्स कार्बन बना देने ईच ऑफ विच स्प्लिट इनटू थ्री। आगे वो सिक्स जब बन जाएंगे ना, ये सिक्स तो थ्री में डिवाइड हो जाएंगे, थ्री कार्बन कंपाउंड में। किस तरह होगा? उसने क्या बात की है? कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल कम्बाइन किसे होना है? फाइव कार्बन के साथ। तो पहले यही देख लेते हैं, ये देख लें आप, थ्री फाइव कार्बन कंपाउंड ये रहा। फाइव कार्बन कंपाउंड के साथ क्या बाइंड हुआ खड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होकर क्या बना देना है? सिक्स मालिक्यूल, सिक्स कार्बन मालिक्यूल जो कि टेम्प्रोरी होंगे। टेम्प्रोरी से मतलब सिक्स कार्बन कंपाउंड ने आगे स्प्लिट हो जाना है। टेम्प्रोरी है तो तीन में इधर चला जाएगा, तीन इधर चले गए, और इधर जो तीन बच गए थे वो तीन इधर आ गए। ठीक है, पहली लाइन का यही मतलब है। कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल फाइव कार्बन कंपाउंड, देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल जो उनसे था, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल है ये किसके साथ बाइंड हुआ है? फाइव कार्बन कंपाउंड के साथ। और बनाया क्या है? फाइव कार्बन थे ना, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन वाला तो सिक्स कार्बन बन गए। सिक्स कार्बन ने आगे फर्दर दो में सिक्स हैं तो थ्री थ्री में डिवाइड हो जाना है। सेकेंड लाइन का यही मतलब है, थ्री कार्बन में स्प्लिट हो जाएगा। थ्री कार्बन कंपाउंड रिड्यूस टू थ्री कार्बन कार्बोहाइड्रेट, वो जो से तीन होंगे, छः में से जो तीन होंगे वो कार्बोहाइड्रेट बन जाएंगे। एटीपी और हाइड्रोजन लेंगे एनएडीपीएच से, एनएडीपीएच के साथ हाइड्रोजन भी होता है। और दूसरे जो थ्री कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज टू मैनुफैक्चर ग्लूकोज, वो ग्लूकोज बनाने में काम आ जाएंगे। तीन का क्या हुआ? रिड्यूस हो गया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज मैनुफैक्चरिंग बन गए। किस तरह? एटीपी और हाइड्रोजन इस्तेमाल करके। इसके बाद जो दूसरे तीन रह गए थे, आल्सो यू रीजनरेट द फाइव ओरिजिनल, वो दोबारा वो फाइव ओरिजिनल कार्बन कंपाउंड ये जो ऊपर खड़ा है दोबारा फॉर्म करने में मदद करेगा। दिस इज आल्सो यूटिलाइज एटीपी। उसने क्या बात की है कि जो तीन छः स्प्लिट हो गए ना, स्प्लिट होने के बाद ये जो तीन होंगे ये इधर कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। कार्बोहाइड्रेट कौन सी? ग्लूकोज बना देंगे। और इसके बाद तीन जो उनसे वो आगे आ जाएंगे, और तीन उनका क्या काम होगा? इन तीन का काम होगा कि दोबारा वो थ्री फाइव कार्बन कंपाउंड बनाना, ताकि दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो और एक कैल्विन साइकिल परफॉर्म हो। ये था कैल्विन साइकिल, सिंपल थ्री पॉइंट्स और डायग्राम लाजमी बना देनी है। और इसके बाद रोल ऑफ क्लोरोफिल इन लाइट है। सनलाइट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल, सनलाइट की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है क्लोरोफिल। इट इज देन कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी व्हिच इट ड्राइव फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। पहले फोटोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी बना देते हैं। ओनली 1% ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन द लीव सरफेस अब्सॉर्ब, ये एमसीक्यूज है। सिर्फ 1% जो सी लाइट जो सी फॉल हो, 100% फॉल हो रही है ना, एक पत्ता अगर बढ़ो 100% वो लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन जब फॉल हो जाती है तो सिर्फ 1% अब्सॉर्ब होती है, 99% वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। रेस्ट रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटर लाइट रेज डिफरेंट वेव लेंथ आर नॉट ओनली डिफरेंट अब्सॉर्ब बाय फोटोसिंथेसिस बट आल्सो डिफरेंट इफेक्टिव। जो वेव लेंथ डिफरेंट होती है ना, सेवन वेव लेंथ होती हैं, सेवन कलर जो होते हैं वाइट लाइट में, तो उनकी वेव लेंथ डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट वेव लेंथ है तो अब्जॉर्प्शन भी डिफरेंट कलर के होती है पिगमेंट्स की तरफ से। द ब्लू एंड रेड लाइट कैरियर मोड, ब्लू और रेड लाइट ज़्यादा अब्जॉर्ब होते हैं, याद रखना। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का जो होते हैं किस में होते हैं? फोटो सिस्टम पूरा एक मतलब क्लस्टर सा बना होता है। कहाँ पे होता है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। ये जगह से आपने याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल होता है कहाँ होता है, और लाइट अब्सॉर्ब करना। क्लोरोफिल इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एमसीक्यू है। क्लोरोफिल इज मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, अदर ऑल कार्ड एक्सेसरी पिगमेंट बी और कैरोटीनॉइड्स, ये मुख्तलिफ वेवलेंथ अब्सॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल अब्सॉर्ब मैनी ब्लू एंड रेड लाइट, एमसीक्यू है ब्लू एंड रेड लाइट, ये पहले भी आ चुका है। और ब्लू एंड रेड लाइट समझ नॉट ऑब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल ये सही नहीं ऑब्जॉर्व कर सकते तो दूसरे जो उनसे वो पिगमेंट वो अच्छी तरह ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, वाइस वर्सा। इसी तरह जो दूसरा नहीं ऑब्जॉर्व करता पहले अच्छी तरह ऑब्जॉर्व करता। लिमिटिंग फैक्टर जो उनसे वोमन शॉर्ट है कॉन्सेप्ट लेने, एनी इन्वायरमेंट फैक्टर डेट एब्सेंस डिफिशेंसी विच कैन डिक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज का लिमिटिंग फैक्टर है। जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, जो कि एब्सेंस हो या उसकी कमी हो जाए तो डिक्रीज कर देता है मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो कि जिस तरह फोटोसिंथेसिस हो रही हो। मैनी फैक्टर लाइक लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर। टेम्परेचर इंटेंसिटी ये सारे लिमिटिंग फैक्टर है, किस तरह करते हैं आगे हम देखेंगे। अब लाइट इंटेंसिटी का क्या है? लाइट इंटेंसिटी चमक मतलब रोशनी कितनी ज़्यादा,
वेरीज विद लाइट इंटेंसिटी, वेरी करती है फोटोसिंथेसिस के साथ। द लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज हो तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज, और अगर इंक्रीज हो तो इंटेंसिटी डिक्रीज, एंड इंक्रीज जो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो फोटोसिंथेसिस भी हाउएवर एट मच हायर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिमेन कांस्टेंट। इसका डायरेक्ट रिलेशन है इंटेंसिटी के साथ फोटोसिंथेसिस का, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाए तो कांस्टेंट ही रहेगी क्योंकि एक हद तक उसे लाइट चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज़ हम देखी थी टेम्परेचर, टेम्परेचर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज़ होता है, ये बात याद रखनी है, डिक्रीज़ होता है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने के साथ, और इंक्रीज एट टेम्परेचर इंक्रीज लेकिन लिमिटेड रेंज तक। अगर इंटेंसिटी लो है, चलो इस लाइन को छोड़ दें, पहले ये देख रहे हैं अगर इंक्रीज टेम्परेचर हैज़ लिटल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन अगर लाइट इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो तो लाइट इंटेंसिटी और इंक्रीज इन टेम्परेचर एक साथ वेरी करते हैं फोटोसिंथेसिस के साथ। तो पहले वेरी आपने करना है ना, पहले वेरी में जब टेम्परेचर के साथ किया गया तो फोटोसिंथेसिस कम होती है, जब टेम्परेचर कम होता है ज़्यादा होती है तो ज़्यादा हो जाता है फोटोसिंथेसिस, लेकिन एक लिमिटेड रेंज तक, उससे ज़्यादा लिमिटेड रेंज हो गए तो जहरी बात है स्टोमेटा की डिबस्टिंग हो जाएगी, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो देखते हैं दरख्त वगैरह जलने लग जाते हैं। इसके बाद इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के इफेक्ट जो उनसे है वो नॉर्मली इसी तरह ही है, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी रेज करती है फोटोसिंथेसिस गोज ऑन के अंडर लिमिटिंग लिमिटिंग वेदर फैक्टर, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट का क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए तो क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हो जाती है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा हो जाता है और फोटोसिंथेसिस की कम हो जाती है, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट है जो प्रैक्टिकल नोट्स पर करेंगे, 3-4 पेजेस आ जाते हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन और आगे कैसे इसकी 3 टाइप्स ग्लाइकोलाइसिस, वो सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ट्रीट करेंगे।